हमने अभी तक एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इसका कॉन्सेप्ट हमने किया। तो अब हम क्या करेंगे, मोशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अब कोई कार अगर मूव करती है या कोई भी अगर बॉडी मूव करती है तो दो वजह से या दो तरीके से मूव कर सकती है। पहला, या तो वो मूव करेगी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कि वेलोसिटी की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ठीक, जैसे क्रूज लगा देना। तो वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होती तो एक्सेलेरेशन बॉडी की क्या होगी, जीरो, या फिर अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, जैसे एक्चुअल गाड़ियां चलती हैं। तो क्या होगी उसमें, एक्सेलेरेशन, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू इसमें क्या है, कांस्टेंट नहीं है। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में दो केस बनेंगे, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, और कौन सी, एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्पीड इनटू टाइम। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब एक्सेलेरेशन क्या होती है, जीरो। अगर बॉडी में एक्सेलेरेशन है और वेलोसिटी चेंज होती है तो आप वो इक्वेशन कभी नहीं लगाएंगे, आप यही इक्वेशन लगाएंगे। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, और तीसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई मर्जी लगा दें, कोई फर्क नहीं। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कब कौन सी इक्वेशन लगेगी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है s इज vt, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन चलेगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हम अभी काम करते हैं, अपने अगले लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, यूनिफॉर्म मोशन जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और दूसरा जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी बॉडी की कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है। इमेजिन करो ये आपके पास एक ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट जिसे बोलते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट से लेट अस सपोज ए कोई पॉइंट है, या ए जो है कोई बॉडी का पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज कितना है, एक्स वन है। तो इसका कोऑर्डिनेट यहां से यहां एक्स वन है। जब टाइम कितना है यहां पर, टी वन इज इक्वल टू जीरो है, स्टॉपवॉच में टाइम जीरो है। अब क्या किया आपने, कुछ देर के बाद एट टाइम टी टू इज इक्वल टू टी, जो पॉइंट है बी उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स टू। तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, एक्स टू माइनस एक्स वन, जिसको मैंने एस से रिप्रेजेंट कर लिया। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक। अब इसके अंदर इस सिचुएशन को देखते हुए अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, और क्या ग्राफ प्लॉट करूं, एक्स टी ग्राफ प्लॉट करूं। एक्स टी ग्राफ का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्स टी ग्राफ। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं इसका एक्स टी ग्राफ प्लॉट करूं या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा बनेगा ग्राफ, देखो। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर टाइम की वैल्यू क्या है, जीरो। ए पॉइंट पर टाइम की वैल्यू जीरो, ए पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वन। तो प्लॉट करते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये टाइम है। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट कहां मिल रहा है, ये रहा, दिस इज टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। यहां पर पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की, एक्स वन। तो ये क्या है, एक्स वन। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, ए, ए पॉइंट का यही कोऑर्डिनेट्स हैं। अब बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट पर टाइम क्या है, टी, और कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू। तो ये देखो, तो ये टाइम है टी, टाइम एक्सिस पे टी, और एक्स टू लेटर सपोज यहां कहीं मिलेगा, तो ये रहा एक्स टू, ये रहा टी, तो बी पॉइंट यहां मिलेगा। कोई डाउट इसमें? तो कोऑर्डिनेट ढूंढने आ गए, तो एक कोऑर्डिनेट ए है, एक कोऑर्डिनेट बी है। अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूं, मैंने ज्वाइन कर दिया इन्हें, तो ज्वाइन करके ये क्या बन गया, इनका ग्राफ बन गया। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या कि चलो ए बी ग्राफ बन गया, मुझे कैसे पता लगा कि ए और बी को स्ट्रेट ही ज्वाइन करना है, क्या पता वो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बने। मैंने कैसे ज्वाइन किया, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन किया, जबकि मुझे नहीं पता कि कैसे ज्वाइन करना है। आप इसे टेढ़ा मेढ़ा भी ज्वाइन कर सकते थे। तो कोई मुझे बताएगा, आपने किया होगा ये नाइन्थ में कभी, कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आता है इसमें, क्योंकि
आप लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपने याद किया हुआ है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन आपको उसका एक्चुअल रीजन नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में हुआ क्यों है। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसको याद ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं आपको इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देता हूं ऐसा हुआ क्यों। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा स्लोप का। स्लोप, स्लोप होती क्या है? हम मान लो एक सड़क पे जा रहे हैं, सड़क बिल्कुल स्ट्रेट है, फ्लैट है, कोई स्लोप नहीं हम कहते हैं। पहाड़ों पे जा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ ऊपर गाड़ी जा रही है तो स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप है, स्लोप है, चढ़ाई ऊपर की तरफ है, तो जहां चढ़ाई है वहां स्लोप है। तो स्लोप मैथ्स में कैलकुलेट करने का तरीका है। क्या तरीका है स्लोप कैलकुलेट करने का? यह तरीका है कि अगर कोई भी लाइन की आपको स्लोप मैथमेटिकल निकालनी है तो आप उसका टैन थीटा निकाल दें। तो मैथ्स में स्लोप कैलकुलेशन कैसी होती है? जस्ट कैलकुलेट टैन ऑफ थीटा, तो स्लोप आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका कि जैसे मान लो ये आपके पास एक लाइन है, तो मैंने इमेजिन कर लिया कि एक्स एक्सिस इसे एंगल क्या बनाया, थीटा। मान लो थीटा अगर जीरो हो जाए तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ग्राफ, तो स्लोप ही नहीं है। थीटा 30 डिग्री है, स्लोप बढ़ जाएगी। 60 डिग्री है, स्लोप बढ़ जाएगी। 70 डिग्री है, स्लोप बढ़ जाएगी। तो मैथ्स के लोग क्या कहते हैं, जितना बड़ा परपेंडिकुलर होगा उतनी बड़ी इसकी स्लोप होगी। सिंपल, क्योंकि बेस छोटा होता जा रहा है, परपेंडिकुलर बड़ा होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली टैन थीटा की रेशियो बड़ी होती जाएगी। तो मैथ्स में ये कहते हैं कि आप फिजिक्स में ये कहते हैं आप सिर्फ टैन थीटा निकाल दो वही आपकी स्लोप है, और जितना बड़ा टैन थीटा होगा उतनी बड़ी स्लोप होगी, या जितनी बड़ी स्लोप होगी उतना बड़ा टैन थीटा होगा, एक ही बात है। तो अगर मैं इसमें ये बोलूं कि आप इसमें एक्सटी ग्राफ में स्लोप कैलकुलेट करो, तो आपने एक इमेजिनरी ट्राइंगल बना लिया। ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस नीचे तक x2 है और ये x1 है, तो ये क्या बना x2 माइनस x1, और ये क्या बना t2 माइनस t1। तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी बोलो, tan थीटा क्या आएगा इसमें, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। क्लियर है यहां तक? तो आप यहां पर जब स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। लेकिन सबको पता है x2 माइनस x1 क्या है, s, और t2 यहां पर t है, t1 यहां पर 0 था, तो क्या बन गया s upon t। s upon t क्या होती है, वेलोसिटी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ आपको क्या दे रही है, वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें? तो ये v की वैल्यू आ गई। स्टेप नंबर 1 क्लियर है। तो एक रिजल्ट आ गया, तो आप फॉर्मूला बुकलेट में एक रिजल्ट नोट करें अपना, ओपन करें फॉर्मूला, क्या स्लोप ऑफ xt ग्राफ हमेशा क्या देगी आपको, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या देगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर है? आप मुझे एक चीज बताएं कि इस पूरे क्वेश्चन में या डायग्राम में वेलोसिटी क्या रखी हमने, कांस्टेंट। वेलोसिटी इस पूरे रिलेशन में क्या है, कांस्टेंट। तो स्लोप भी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि xt ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, वेलोसिटी। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? स्लोप कांस्टेंट कैसे है, देखो अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इमेजिन करो अगर मैं इतने पोर्शन की स्लोप निकालता हूं तो मुझे टैन थीटा निकालना पड़ेगा, अगर मैं इतने पोर्शन की स्लोप निकालता हूं तो मुझे फिर टैन थीटा निकालना पड़ेगा, फिर मुझे टैन थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है यहां तक? तो इस केस में आप चेक कर लो, टैन थीटा चाहे बड़ी लाइन लो चाहे छोटी लो चाहे कंप्लीट लाइन ले लो, टैन थीटा एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब स्लोप यहां पर कॉन्स्टेंट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट है, अगर आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो स्लोप क्या होगी, कांस्टेंट। और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है एक्सटी ग्राफ की, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। उल्टा बोलूं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उल्टा बोलते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ की स्लोप भी कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट कब आती है, जब ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब समझ में आया, इसलिए नहीं कि एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है।
और स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ आपको क्या देती है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्या ये पहला रूल क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो ये रूल नंबर वन है। तो ये जो आपने लिखा, अब इसी का सेम एग्जाम्पल का अगर मैं वी टी ग्राफ प्लॉट करूं, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ प्लॉट करूं, तो वी टी ग्राफ के अंदर देखो क्या होगा, वी टी यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, क्योंकि कोई भी बॉडी मूव कर रही है विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, किसी भी टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कॉन्स्टेंट, ऐसा ही होगा। तो ये आपके पास वी टी ग्राफ है, वेलोसिटी इसमें कॉन्स्टेंट है, तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आप चेक कर लो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी वी है, एट टाइम टी इज इक्वल टू वन सेकेंड वेलोसिटी वी है, एट टाइम टू सेकेंड वेलोसिटी वी है, एट टाइम टी सेकेंड वेलोसिटी वी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ग्राफ क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि वी की वैल्यू क्या है इसमें, कॉन्स्टेंट है। तब एक चीज बताओ, अगर मैं इसके अंडर, अंडर समझ तो नीचे, एरिया निकाल लूं, तो शेडेड एरिया आएगा पूरे का पूरा। शेडेड एरिया का, शेडेड एरिया की वैल्यू क्या होगी, ये वेलोसिटी वी है और ये टाइम टी है, तो एरिया क्या बनेगा, वी इंटू टी, और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो एस क्या आ गया, वी टी। तो एक रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया, एरिया अंडर वी टी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई दी बॉडी। समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर मैं एरिया निकालूंगा तो ये वेलोसिटी है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वी इनटू टी जो कि एस होता है। तो लिखो फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, ये एरिया अंडर वी टी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। सेकेंड रिजल्ट है। अब हमने क्या सीखा, पहला रिजल्ट, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देगी, वेलोसिटी, एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। भूलना नहीं इन दो चीजों को, ठीक। तो क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन ये नहीं आता, अगर आप सोचें कि मैं लिखवा नहीं रहा, आपको ये लिखवाऊं रिजल्ट और आप याद करो और मुझे पेपर में लिखने को आएगा, कुछ ना आएगा पेपर में, ये आएगा, वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, एक मे बी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो देना है, तो आपको कहेगा ये एक्स टी ग्राफ है, आपको कहेगा ये ग्राफ है, आपको इसमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो आपको ये पता है कि ग्राफ किसका किसका है, एक्स और टी का, और एक्स टी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी, तो क्या निकालेंगे, स्लोप निकालने, स्लोप, स्लोप क्या होती है, टैन थीटा। तो यहाँ से काम करेंगे, एक ट्राइंगल फॉर्मुलेट करेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ट्राइंगल, तो अगर ये टेन है, ये फोर है, तो ये क्या है, सिक्स मीटर, अगर ये 8 है, ये 0 है, तो ये कितना है, 8 सेकेंड। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या शो करती है, स्लोप, और स्लोप क्या शो करती है यहां पर, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या स्लोप क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी इन क्वेश्चंस में, समझ में आ रहा है? तो आपको थ्योरीज या वो याद थोड़ी ना करनी है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एग्जैक्टली क्या करना है, आपने क्या करना है, निकालनी आनी चाहिए स्लोप, और पता होना चाहिए कि स्लोप क्या देगी, वेलोसिटी। ठीक है यहाँ तक? डाउट है, डाउट है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कौन सा ग्राफ है, VT, और वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट कितनी, 10, देखो 10 10 10 10 10, तो आप इसमें क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालोगे, एरिया, क्योंकि सेकंड रिजल्ट क्या था, एरिया अंडर VT ग्राफ विल गिव वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसके अंडर एरिया निकाल देंगे, इसके अंडर का एरिया का मतलब इसके नीचे का सारा एरिया निकलेगा, ये पूरे का पूरा, तो ये कितने हैं 10 मीटर्स पर सेकंड और ये कितने हैं 7 सेकंड, तो एरिया ऑफ VT ग्राफ आपको क्या देगा, 10 मीटर्स पर सेकंड इनटू 7 सेकंड, ये लो ये कट गया तो कितना आ गया 70 मीटर इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको, तो ये क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 5 सेकंड, क्या करें, कौन सा ग्राफ है, पहले देखना ये जरूरी है, XT की VT, VT VT ग्राफ का क्या निकालने की डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एरिया, तो एरिया निकालो इसका, तो एरिया में इसको आप डिवाइड करेंगे, पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर आप इस ट्राइंगल का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, या ट्रेपेजियम भी यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबके एरिया ऐड करके आंसर निकालें क्या आएगा, सारे एरियाज को ऐड करेंगे ना तभी तो एरिया अंडर आएगा, इस पूरे ग्राफ का अंडर एरिया तो ये बना ना पूरे का पूरा, तो सारा ही ऐड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तो निकालें एरिया, आंसर क्या आ रहा है, 1818, चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो हाफ इनटू बेस क्या है 3, हाइट क्या है 8, प्लस हाफ इनटू बेस क्या है 1 और ये हाइट क्या है यहां से यहां तक 8 - 2 कितना 6, नेक्स्ट इसका लेंथ क्या है 2, विड्थ क्या है 1, इसका 2 इनटू 5 - 4 क्या है 1, चेक करो कितने मीटर है 19 मीटर, आंसर।